ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमींचे शहर व जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूक शाब्दे यांचा 28 फेब्रुवारी रोजी वाढदिवस होता। त्यांचा वाढदिवस सोलापूर शहरामध्ये सामाजिक उपक्रम राबून साजरी करण्यात आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबविले तर फारूक शाब्दे यांचा वाढदिवस साजरा केला आणि याचाच एक भाग म्हणून आज दिनांक 1 मार्च रोजी विजापूर वेस युवक संघटना अशफाक बागवान यांच्या वतीने सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या प्रभाग क्रमांक 14 व नवीन प्रभाग क्रमांक 20 जमादार हॉस्पिटल या ठिकाणी मोफत हार्ट चेकअप शिबिर घेऊन फारूक शाब्दे यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। तसेच त्यांना हार घालून व पुष्प अर्पण करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देखील देण्यात आल्या। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर भाषापेट इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उभरते हुए सितारे अशफाक मेंबर जिनको बोला जाता है, उनके जानिब से यहाँ मेरे जन्मदिन के मौके पर ये जो फ्री हार्ट चेकअप ब्लॉकेज चेकअप का जो एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, कल से शुरू होने वाला है, उसी में और अलग अलग अशफाक मेंबर की एक स्पेशलिटी, एक कार्यक्रम कभी नहीं लेते, 5-6 रहते हैं, बोलने में तकलीफ होती, याद करके आना पड़ता है। तो क्या 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 रखें, दिल का, दिमाग का, दांत का, सब का, तो सब प्रोग्राम ये रखें। तो यहाँ पर इस मौके पर यहाँ मौजूद तमाम इस इलाके की मौजूद हस्तियाँ माशाल्लाह, और हमारे चाचा इलाही चाचा भी यहाँ पर हैं, उल्लेखरी चाचा हैं, सर हैं जो अभी बताया UPSC की ट्रेनिंग देते हैं माशाल्लाह। ये निहायत ही मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मुझे ये स्टेज शेयर करने का मौका आप लोगों की वजह से मिलता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मौका है मेरे लिए, मैं बता रहा था आपको कि एक तो सामाजिक काम भी हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का भी काम हो जा रहा है, कहीं वोट की भी बात हो जा रही है, साथ साथ सवाब भी मिल जा रहा है, ऑल इन वन काम है माशाल्लाह। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोगों के साथ बैठ के इतने सारे कामों को अंजाम हम दे रहे हैं। मेरा जन्मदिन एक्चुअल में आता नहीं है, 4 साल में एक बार आता है मेरा बर्थडे, 29 फरवरी को मैं पैदा हुआ हूँ सर, लीप ईयर होता है वो। मैं हाँ मोरारजी देसाई सर के, तो मैं बर्थडे मनाने के खिलाफ ही रहता हूँ कि भाई ज़्यादा फजूल खर्ची करना नहीं है, अगर करना ही है तो ऐसे सामाजिक काम करो। तो इलेक्शन का त्यौहार है, हमारे सब कार्यकर्ता बोले नहीं नहीं करना तो पड़ेगा आज, बोले फिर भी मैं बोला अगर करना है तो हम केक को, हार, ये सत्कार को अवॉइड करते हुए जो वाकई में जिसके जिसके थ्रू लोगों का फ़ायदा हो सके हम ऐसा काम करेंगे, तो मेरा बर्थडे मनाओ, तो उसमें से एक ये तरीका है माशाल्लाह। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पर आकर मेरा सत्कार किए और इतनी इज्जत से नवाजे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे जन्मदिन के मौके पर कि ये जो मोहब्बत, ये जो इज्जत आप लोग मेरे को दे रहे हैं, मैं लास्ट 2 साल 2.5 साल से सोलापुर शहर में आया हूँ, लेकिन इतने कम वक्फे में आप लोगों से जो प्यार मिला है मेरे को, मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहीं पैदा क्यों नहीं हुआ करके। तो ये अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि बस ये जो चीज़ है ये मेरे मरते दम तक कायम रखे अल्लाह। अहदे वगैरह सब ठीक है, टेम्पररी चीज़ें हैं, वो मिल जाए, वो तो मिल भी जाए तो 5 साल का उसका एक टेन्योर रहता है, 5 साल के बाद फिर लड़ना पड़ता है, लेकिन ये जो दिल जीतने का काम अल्लाह ने मेरे हाथों से कराया है और आपके दिलों में जो मोहब्बत मेरे लिए जगाया है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ, कम से कम ये चीज़ हमेशा से बरकरार रहे बस। और आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन इलेक्शन भी है, थोड़ा पॉलिटिकल बात तो करना बनती है, तो इलेक्शन में आप लोगों ने मेरे टाइम पर बोलो 2019 में या 2017 कॉरपोरेशन इलेक्शन हो या 2014 का आमदारगी इलेक्शन हो, आप लोगों ने दिल खोल के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट किया है, साथ दिया है, वैसी उम्मीद मैं आप लोग से इस बार भी रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई रहेंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार सदारत मेरे पास है, इस टीम का कैप्टन मैं हूँ और मेरी टीम का प्लेयर 19-20 नहीं कर सकता इंशाल्लाह। एक मौका दो, आप लोग एक चांस दो इंशाल्लाह, आप लोग मेरे को पकड़ सकते हैं, और आपको 5 साल रुकना नहीं है देखने के लिए, आज नहीं तो ऐसा सोचेंगे अभी वोट दिए हमारे उम्मीदवार को, फिर 5 साल बाद ही चुनेगा,
मैं 2 साल बाद फिर से आप लोगों के बीच में आऊंगा मेरे लिए। तो अगर मेरे वो उम्मीदवार अगर आप लोग जिता के देते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो मेरा मुंह नहीं रहेगा आपके सामने 2024 में आके बात करने के। तो आपको सिर्फ 2 साल का टेस्टिंग पीरियड है, स्पेशल ऑफर है ये भी कि सिर्फ 2 साल में आपको दूध का दूध पानी का पानी सच झूठ सब पता चल जाएगा। तो उस 2 साल के लिए देखने के लिए कम से कम मैं बहुत एक अलग मैं ना बयान नहीं कर सकता कि जो आप लोग मेरे को दे रहे हैं ना उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। ये जो इतनी मोहब्बत मेरे को यहाँ मिल रही है, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि क्या अल्लाह ने क्या कनेक्ट बना दिया, क्या ऐसा एक रिश्ता जोड़ दिया है सोलापुर वालों में और मेरे अंदर। मैं कारोबार के सिलसिले में बम्बई जाता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, अभी जाता हूँ 2-3 दिन में ऐसा लगता है कब सोलापुर वापस आऊँगा। तो मैं आप लोग को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे को सोलापुर में ही रहना है, मेरे को यहाँ का ही बना दो बस। आप लोग के साथ की ज़रूरत है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने कभी ना उम्मीद नहीं निराश नहीं किए, आगे भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और मजलिस के झंडे के तहत, पतंग के चुनाव चिन्ह के तहत जो भी उम्मीदवार हो, जो भी, आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के काम के हिसाब से और फारूक शाब्दी के लिए उसको वोट दे रहे हैं। हमसे सवाल करना, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि आपके काम कैसा नहीं होते। और जब इलेक्शन के टाइम आऊँगा, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लेके आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर डिटेल प्लानिंग बताऊँगा आपको कि अगर हमारा ये प्रभाग पूरे 3-3 जीत जाते हैं, पूरा प्रभाग मजलिस के उम्मीदवार जीतते हैं, तो हम क्या तब्दीली करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही प्यार, ऐसी मोहब्बत आप लोगों की बरकरार रहेगी। यहाँ पर बुलाए, इज्जत से नवाजे, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महान। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर व जिला अध्यक्ष अलहाज फारूक भाई शाब्दी, इनके जन्मदिन के मौके पर हमारी बीजापुर में सेवक संगठन व शनिवार पेट यंग ग्रुप, पेंटर चौक यंग ग्रुप, डॉक्टर जाकिर हुसैन युवक संगठन और उसी के साथ साथ सभी हमारे परवाकर्मा के 20 के कार्यकर्ताओं की जानिब से भैया शिविरों का आयोजन किया गया था। उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज जमादार हॉस्पिटल एमए जमादार यहाँ पर जो है ना फ्री हार्ट चेकअप का शिविर रखा गया, जो कि यहाँ पर पूरी ECG वगैरह निकाल कर जो भी अगर हार्ट अटैक के अंदर कुछ ब्लॉकेज निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इलाज महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के माध्यम से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम को पूरा किया जाए। मैं सोलापुर शहर के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि कल सुबह 2 तारीख जिंदा शाह मदार चौक मुस्लिम बादशाह पेट MM जमादार इनके क्लिनिक पर कल सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह कैंप जारी रहेगा। जिन भाइयों को अगर कुछ हार्ट की तकलीफ हो या ना हो, वक्त से पहले इलाज बेहतर है। इसी के तौर पर हमारे आज अलहाज फारूक शाब्दी के जन्मदिन के मौके पर ये किसी तरह से हार्ट चेकअप का शिविर किया गया। उसी के साथ साथ शुगर फ्री चेक करना, BP शुगर और उसी के साथ थायराइड चेकअप, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो फ्री ई-शर्मा कार्ड है वो भी फ्री में बना कर दिया जाएगा। उसी के साथ और 4 तारीख को शनिवार पेट में आजा खाजा मालबान इनके मकान के सामने वहाँ पर भी हिजामा का कैम्प रखा गया है। उसी के साथ साथ दांत का भी जो है ना दंत रोग का शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे अनेक कार्यक्रम बीजापुर में युवक संगठन के माध्यम से अलहाज फारूक भाई शाब्दी इनके जन्मदिन के मौके पर हमारी संगठन रख रही है। बस हमारे अलहाज फारूक भाई शाब्दी यही कहते हैं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी गरीब गोर गरीब के लिए आप काम को आए, बल्कि ना केक लाए ना हार लाए, बल्कि जो पैसा अगर आपको जो बचता है उसका जो है ना मुबदला जो है ना किसी गरीब व्यक्ति के लिए करो। इसी के उनके मार्गदर्शक से उनके नक्श कदम पर उनके कहने के मुताबिक आज पूरे सोलापुर शहर में AIMI पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे सोलापुर शहर ने जिले भर के अंदर बड़े बड़े अलग अलग लोक भूमि लोक सेवा के काम को अंजाम देते आ रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से भाई यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अलहाज फारूक भाई शाब्दी को लंबी उम्र दे और उनको जो है ना सेहत आफत दे, उनकी जो भी भलाई आफत है परेशानी उसको दूर अता फरमाए और उसी तरह से